सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं केडी फिटनेस। अभी जो हमारे पास न्यूज़ है वो है अंकित बयानप्रिया की तरफ से, जो कि अपने 75 हार्ट चैलेंज से एक उन्होंने फेम अचीव किया है, जिसको कि कई सारे एथलीट बचा नहीं पा रहे हैं। वो कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है वो स्टेरॉयड लेकर के जो है इन्होंने बॉडी बनाई है, और कह रहे हैं कि ये कोई नेचुरल नहीं है, या 75 हार्ट कर रहा है तो उसने क्या ही कुछ खास कर दिया है। सो इसके ऊपर अंकित बयानप्रिया का भी जो है एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं नेचुरल नहीं हूँ, या तुम्हें लगता है कि 75 हार्ट जो है वो कोई चैलेंज नहीं है, तो एक बार करके देखो, और अगर लगता है कि मैं नेचुरल नहीं हूँ तो मेरे साथ में एक बार वर्कआउट करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं नेचुरल हूँ या नहीं हूँ। और उन लोगों का कहना है कि तू जो है इन चैलेंजेस को दिखा दिखा कर सिंपैथी गेन कर रहा है, अपना फेम जो है बढ़ाना चाह रहा है। सो अभी मैं आपको बता दूं कि उनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब पर उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी रिसेंटली हुए हैं। तो इसी के ऊपर अंकित बयानपुरिया का जो है रिएक्शन आया था, और उन्होंने कहा था कि अगर तुम में हिम्मत है तो जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ एक बार वो एक्सरसाइज ट्राई करके देखो, ना तुम बेहोश हो जाओ तो हमसे कह देना। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नेचुरल हैं, और आप जो है एनहेंस बॉडी बिल्डर हो, और उस स्ट्रेंथ का कैसे सामना कर लोगे जो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर में है। मतलब इससे इतना तो साफ हो रहा है कि एक और कंट्रोवर्सी जो है शुरू हो चुकी है, और इसमें आपको क्या लगता है, आप अपनी राय ज़रूर दें कि अगर दोनों बॉडी बिल्डर्स में अगर एक कंपटीशन कराया जाए नेचुरल टाइप से, जाए सपाटी लगवाई जाए या बेंच लगवाई जाए, जो भी वर्कआउट कराया जाए, उसमें कौन जीतेगा, अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।